हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम है जोगप्रीत सिंह, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ वैसे इसके ऊपर कि डेनमार्क में जब आप आते हैं तो अकाउंट ओपन कैसे करना है, बट आज मैं एक लड़के के साथ जा रहा हूँ, मेरे घर के पास ही रहते हैं, मेरी आज काम की छुट्टी थी तो उनके साथ जा रहा हूँ उनका अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मतलब एक तरह से आपको प्रैक्टिकली बता सकूं वहाँ पे, मतलब बैंक में जाऊंगा वो क्या क्या मतलब पूछते हैं और कैसे अकाउंट ओपन होता है, तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बाकी अभी मैं थोड़ा सा लेट हूँ, यहाँ से ट्रेन पकड़नी है, लगता है भाई भी स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं, उनका फ़ोन आने वाला होगा मेरे को, सिर्फ 2 मिनट रह गए ट्रेन को, बाकी बस मैं 1 मिनट में पहुँच ही जाऊँगा। बाकी मिलता हूँ आपको बैंक के बाहर, बाकी मैं कुछ शॉर्ट्स लूँगा तो आप एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। तो गाइस, अभी वहाँ के ट्रेन पकड़ी, वही बात हो गई, वीडियो के चक्कर में ट्रेन आ गई थी, तो भाई का फ़ोन आ गया, कहाँ है, मैंने बोला कि चढ़ जा ट्रेन में, मैं दूसरे डब्बे में चढ़ जाऊँगा जो मेरे नज़दीक है बिल्कुल, तो मेरे को साथ नहीं चढ़ रहा गाइस तो मैं भी नहीं बना पाया जिसके कारण, बाकी भाई मेरे पास आ ही गए हैं और अकाउंट ओपन करना है। बाकी शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं आपको सीधा रोज के लिए स्टेशन मिलता हूँ, अभी वहाँ का व्यू दिखाऊंगा आपको। लो भाई, हम आ गए रोसकिले स्टेशन के पास, रोसकिले स्टेशन रह गया है पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रोसकिले स्टेशन है, वो ट्रेन खड़ी लाल रंग की तो जो दिख रही है, और हमें अभी इधर से जाना है। नितिन, नितिन आगे चला गया, ऐसा सा व्यू है गाइस रोसकिले का, मैंने शायद पहले भी दिखा रखा है वीडियोज़ में। बाकी अभी हमको सीधे जाना है यहाँ से, और सीधे सीधे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक ब्रांच है नोडिया की, नोडिया में बात करते हैं भाई का अकाउंट खुलवाने की, देखते हैं अगर खुल जाए जल्दी। बाकी ये साइकिल की शॉप है यहाँ पे, ये पीछे बार की शॉप थी भाई। गाइस, अभी अभी हम कैमरा ही ओपन कर रहे थे, एकदम से आपने देखा होगा कि मैं कैमरा एंगल व्यू ले रहा था और एकदम से ना वहां से आवाज आई, तो बेचारा कुत्ता था उसको डिग्गी में बिठा रहे थे, बट उसने छलांग मारी, उसका वेट हैवी होने के कारण बेचारे की लात बज गई बम्पर पे गाड़ी के पिछले साइड पे, और उसका दर्द हुआ बेचारे को, तो वो आवाज़ जैसे निकाल रहा था, हम देखने लगे दोनों कि क्या हो गया। बाकी मैंने जो कैमरा वो इसलिए ऑन किया था कि हम बात कर रहे थे कि डेनमार्क में काम नहीं मिल रहा तो काम का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था अभी, कि इससे बढ़िया तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में काम मिल जाता है, क्योंकि भाई कह रहे कि ऑस्ट्रेलिया में ना वो अच्छे अच्छे बच्चे छांटते हैं, मतलब जैसे डेनमार्क हो गया या कनाडा, अब तो कनाडा ने एसडीएस फाइल मतलब पीटी भी कर दी एसडीएस फाइल में, तो गाइस सोचो फिर कितना सारा मतलब वहाँ पे अब कितने बच्चे जाएंगे, फिर काम नहीं मिलेगा वहाँ पे, और मतलब पीटी एक आसान चीज़ है कोई भी कर लेता है, तो वो भी अब कनाडा चला जाएगा, तो मतलब रेशो बढ़ जाएगी वहाँ पे, तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो बैंड्स में भी अच्छे बच्चे लेता है और 12th में भी अच्छा ग्रेड होना चाहिए, तो वो बात चल रही थी कि वहाँ पे इसलिए काम ज़्यादा है कि वहाँ बच्चे भी कम हैं और अच्छे अच्छे मतलब बच्चे वो छांटता है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक लेवल क्रिएट कर चुका है, जो कि अच्छी बात है, बट डेनमार्क में भी काम है बट ढूंढना पड़ता है, वही बात आ गई, वो ढूंढने पे मिलता नहीं तो यही बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बातचीत भी करी जाए, व्यूअर्स क्या मतलब देखते हैं, उनको अच्छा चीज़ अच्छी चीज़ दिखानी चाहिए, अच्छी चीज़ बतानी भी चाहिए, जो सुनते भी हैं बातों को कई बार ध्यान से, तो यही चीज़ें हैं गाइस, मतलब आओगे तो सारी चीज़ें मतलब सोच समझ के आपको हैंडल करनी है, तो आप सारी चीज़ें के लिए तैयार रहना। तो बाकी अभी तो गाइज़ हम नोडिया ब्रांच पहुंच चुके हैं, और ये हम रोसकिले शहर में हैं,
बाकी बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे, मार्केट प्लेस एक तरह से छोटी, और यहाँ पे क्लोथिंग शॉप्स भी हैं और रेस्टोरेंट शॉप्स भी हैं और सारी चीज़ें की मतलब शॉप है। यहीं से मैंने एयरपोर्ट लिए थे अपने, और शूज़ की दुकान भी है और मतलब काफ़ी चीज़ों की है वो, सनग्लासेस की है सामने और पीछे यहाँ पे उधर जाके फ़ोन की शॉप्स हैं, तो मतलब हर चीज़ की शॉप्स हैं। तो बाकी मैं आपको ब्रीफ में फिर कभी दिखाऊंगा, बाकी अभी हम अंदर जा रहे हैं और ब्रांच में और बात करते हैं, तो देखता हूँ अगर वो वीडियो बनाने देते हैं तो मैं वीडियो बनाऊँगा। तो गाइज इसको इस बटन पे क्लिक करके हमने अपना टोकन ले लिया और अभी नंबर चल रहा है 60 और हमारा नंबर है 63। तो गाइज 60 नंबर चल रहा है अभी और हमारा 63 है। कोई पता नहीं ये ब्रीफ में वीडियो बनाने देंगे कि नहीं, बाकी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लेके आना पड़ता है और CPR कार्ड लेके आना पड़ता है, भाई के पास CPR कार्ड नहीं है अभी, तो CPR नंबर भी चल जाएगा। ये दो चीज़ें मेन होती हैं, उसके अलावा पासपोर्ट भी मांगते हैं, पासपोर्ट भी मांगते हैं, और ये तीन चीज़ें मतलब ज़रूरी हैं। और फिर ये चीज़ें देख के वो अकाउंट खोल देते हैं। बाकी रही बात गाइज अकाउंट कौन से बैंक में खुलवाएं, थोड़ी नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लियर बोलने की। बाकी गाइज जो मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ वो आपकी चॉइस है, आप डेंस के बैंक में खुलवाना चाहते हैं कि नोडिया में खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के ये डाउट हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, आप जिस मर्ज़ी में खुलवा लो, आनी तो सैलरी है तो आप मतलब आप वो आपकी मर्ज़ी है आप किस में खुलवाना चाहते हो। बाकी लूनर बैंक भी है, लूनर ऑनलाइन बैंकिंग है, तो मैं उसमें प्रेफर नहीं करता, बाकी काफ़ी खोल लेते हैं अकाउंट, तो मर्ज़ी है आपकी, आपको खुलवाना है तो आप खुलवा सकते हैं, बट मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप मतलब ऑफलाइन बैंक में ही खुलवाएं, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई डेबिट कार्ड प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप ब्रांच में विज़िट करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कई बार कॉलिंग सर्विसेज नहीं अवेलेबल होती, तो इसलिए आप इस चीज़ को मतलब थोड़ा निगलेक्ट करें कि ऑनलाइन बैंकिंग मतलब आकर यहाँ पर खुलवाएं। तो ऐसा सा कुछ क्राइटेरिया है, बाकी प्रैक्टिकली भी यही चीज़ें वो बोलेंगे, भाई को पूछेंगे, थोड़े से क्वेश्चन पूछते हैं वो। जो और ब्रांचेज हैं गाइज कोपनहेगन की, उसमें फ़ोनिक इंटरव्यू होती है अकाउंट ओपन करने के लिए, बट यहाँ पे रोज़ के लिए ब्रांच में ये इन पर्सन ही इंटरव्यू ले लेते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस ही पूछते हैं कि आपका कोई पॉलिटिकल संबंध तो नहीं था, मतलब जनरल क्वेश्चंस कि आप अपने अब आप अकाउंट क्यों खुलवा रहे हैं, क्या करोगे अकाउंट में, कितनी ट्रांजैक्शन करोगे, और अपनी होम कंट्री में ट्रांजैक्शन करोगे कि नहीं, तो ऐसे ऐसे डाउट्स मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ये पूछते हैं, तो वाइज ऐसे ऐसे क्वेश्चन के उनके आंसर देने होते हैं। तो बाकी यही मतलब ऑल ओवर वीडियो में मैं यही बताना चाहता था दोबारा, पहले तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ एक, और बाकी ये वीडियो भी मैं पार्ट टू करके अपलोड कर दूंगा ताकि आपको और हेल्प हो जाए। बाकी किसी के क्वेश्चंस हों अकाउंट ओपन के तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं होपफुली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी अभी नंबर आने वाला है गाइज, फिर मैं देखता हूँ, अगर वीडियो बनती है तो मैं बनाऊँगा, नहीं तो मैं आपको बाद में वीडियो में मिलूँगा, बताऊंगा आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, अकाउंट ओपन हुआ है कि नहीं, बाकी आज अकाउंट इन्होंने ओपन किया है कि नहीं, फ़ोन एक इंटरव्यू तो नहीं दे दी, तो सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर करूंगा, मिलता हूं मैं आपको वीडियो में। तो गाइज हम नोडिया बैंक से बाहर आ चुके हैं, बाकी वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे, मेरी हंसी छूट रही है कि वो भाई को पूछ रहे हैं आपके US के US में संबंध तो नहीं थे, भाई मेरे मुँह की तरफ देख के मैंने बोला नो, फिर वो मैम मेरा मुँह देख रही, कह रही उनको आंसर देने दो, फिर भाई से उन्होंने पूछा कि आपके पॉलिटिकल में कोई संबंध नहीं, भाई फिर मेरा मुंह देखने लग गए और मैंने फिर बोला नो, मेरे को कह रहे कि आप इनके लिए ट्रांसलेट ही कर दो तो भाई मेरी हंसी छूटने लग गई कि मतलब भाई थोड़े नर्वस थे, उनको तो करके समझना है कि भाई वो क्या पूछ रहे हैं। बाकी उसने अकाउंट तो मतलब शुरू कर दिया था ओपन करना, वो कहती बट आपको जो एनवलप है, जो अकाउंट ओपनिंग का वेलकम लेटर है, वो आपको आपके CPR एड्रेस पे रिसीव होगा, फिर आप अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, और
उसने खाली दो ही क्वेश्चन पूछे और वो इंडिया का अकाउंट नंबर एक मांगते हैं, वो मैंडेटरी है, वो हमने लिखा और जीमेल और फ़ोन नंबर, बस ये सारी चीज़ें दी और वो कहती ओके थैंक यू आप अब जा सकते हैं और आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा जिस दिन ओपन, आपको ओपनिंग लेटर आ जाएगा, वेलकम लेटर आ जाएगा, बैंक अकाउंट ओपनिंग लेटर आ जाएगा, आप उस दिन ऐप में जाके लॉगिन कर देना और तीन एग्रीमेंट होते हैं उनको साइन कर देना तो आप अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, सैलरी के लिए आप अपनी सैलरी डलवा सकते हैं। तो ऐसे से अकाउंट ओपन होता है गाइज। बाकी मैं रोज़ के लिए स्टेशन के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं, मैं एक यहां का शॉर्ट व्यू लूंगा और वीडियो यहीं क्लोज कर दूंगा। आज की वीडियो इसी के ऊपर थी, मैंने मेन मेन थिंग्स आपको बताई हैं, ये नोडिया बैंक की इन्फॉर्मेशन थी गाइज, मेरे को डेंसके की नहीं पता, बाकी डेंसके में भी मुझे लगता है कि सिमिलर ही होगी, बाकी वहाँ भी सेम चीज़ से ही अकाउंट खुलता है, यही सारी चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं। बाकी मिलता रहूँगा आपको न्यू वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हैव अ नाइस डे। Thank you.